ताजनगरी आगरा में आम आदमी पार्टी ब्रज क्षेत्र में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज क्षेत्र के सभी जिलों से आए पदाधिकारियों व सदस्यों ने हिस्सा लिया। आप पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों पर अपना नियंत्रण कर उनका दुरुपयोग कर रही है। संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे यहाँ, मुख्य वक्ता हमारे यहाँ विधायक और पूर्व कानून मंत्री भाई सोमनाथ भारती जी रहेंगे दिल्ली से। और हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार से लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को कुचला और दबाया जा रहा है वर्तमान तानाशाह सरकार के द्वारा, उसके विरोध के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जिस प्रकार आम आदमी लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे लीडर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करा जा रहा है, उसके विपरीत हम पूरी ताकत से यहाँ पर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं और ये मैसेज हर घर घर तक पहुंचे उसके लिए ये रैली का शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज आगरा में लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के हमारे पदाधिकारी, हमारे एक एक कार्यकर्ता जहां आज इकट्ठे हुए हैं। माननीय संजय सिंह जी, जिनकी गैर संवैधानिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है, 4 अक्टूबर को जिस तरह से ईडी ने छापा मारा, लेकिन पूरे दिन छापा मारने के बाद भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ, फिर भी एक साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो हम घर घर जा रहे हैं और शहर शहर अपनी आवाज को, अपनी अपनी पार्टी की सच्चाई को कि ये गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, ये बयां करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और इसी में हमारे पर्चा वितरण की, माननीय संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों, इस सच के साथ हम गाँव गाँव घर घर जा रहे हैं और इधर हमारी लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन हो रहा है। और काफी दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम सामने आ रहा है? देखिए, जब हम दरवाजे पर जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं ये गलत हुआ है, क्योंकि संजय सिंह जी ऐसे थे जो कि गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की के मुद्दे पर बोलते थे। संसद जो देश की सर्वोच्च पंचायत होती है, वहां खड़े होकर वो आवाज से बोलते थे और गलत को गलत कहते थे। केंद्र सरकार की जितनी भी गलत नीतियां थी उनके विरोध में वो आवाज उठाते थे, लेकिन उस आवाज को खामोश करके उन्होंने जेल में बंद कर दिया है। और ये संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है और हमारे सांसद छूट नहीं जाते हैं। किस हद तक आंदोलन जाने वाले हैं अभी, क्योंकि इस तरह से सुनवाई आपकी हो नहीं रही है? क्या अभी सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, उन्हें रिहा नहीं कर रही है? तो देखिए, आवाज उठाना हमारा अपना कर्तव्य, हमारा अधिकार है, हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। लगा लो चाहे जोर कितना भी तानाशाही के लिए, लगा लो जोर चाहे कितना भी तानाशाही के लिए, हम लड़ते रहेंगे बेगुनाही के लिए। लोकतंत्र बचाओ रैली में मेन उद्देश्य रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष को तानाशाही तरीके से दबाया जा रहा है और विपक्ष के मंत्री, विधायक, सांसदों को जेल के अंदर ढूंस दिया जा रहा है। वो अपना एक छत्रप राज लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करके अपना तानाशाही तरीके से हम अपनी सत्ता काबिज करें और लोकतंत्र को ख़त्म कर दें अपने भारत के अंदर से। और हम मतलब एक भारतीय जनता पार्टी, एक पार्टी बने देश के अंदर, इसके अलावा सारी पार्टियां खत्म हो जाए, सारा विपक्ष खत्म हो जाए, इस रणनीति में वो लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं, हम इसलिए जमीन पर आगे लड़ रहे हैं और हमारे नेताओं को जो बंद किया गया है उनके लिए हम रोड पे आगे ईंट से ईंट बजा देंगे। और इस तानाशाही के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ रखी है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस तरीके से पूरे देश भर में विपक्ष के सभी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के माध्यम से आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है, सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है बिना किसी सबूतों के, आम आदमी पार्टी के दो नेता पहले से जेल में, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी, अब अगला प्रयास भारतीय जनता पार्टी का ये है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रही, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पहला कार्यक्रम हमने किया मुरादाबाद में, दूसरा कि हमने यहाँ मेरठ में, तीसरा महोबा में, अब आज हमने कार्यक्रम किया है आपका आगरा में। तो हमारा यही प्रयास है कि कैसे देश की जनता को हम सच बताएं, कैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करके अपने विपक्ष के नेताओं को दबाने का प्रयास कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रांत वाइज
हम लोगों की आम आदमी पार्टी की इस निकम्मी सरकार के विरोध में लोकतंत्र बचाओ रैली हर प्रांत में हो रही है। उसी क्रम में आज ब्रज प्रांत की लोकतंत्र बचाओ रैली आगरा के सेक्टर 11 स्थित फील्ड में आप देख रहे हैं और मेरे पीछे आप जनता का समर्थन देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आम आदमी पार्टी के साथ दिन पे दिन जुड़ता जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एक अघोषित आपातकाल जो इस समय देश में चल रहा है जो विपक्षी पार्टी लगा रखा है, माननीय सांसद संजय सिंह जी को जो गैर संवैधानिक तरीके से जो जेल में डाला है उसके विरोध में हम लोग पूरे प्रदेश में इस तरह की लोकतंत्र बचाओ रैली और सभा हम लोग कर करके जागरूक कर रहे हैं जनता को कि ये सरकार कितनी नकम्मी है और सरकार के कितने गलत काम ये लोग इस समय कर रहे हैं।